कांवड़ मेला हालांकि खत्म हो चुका है, लेकिन सरकार और प्रशासन की बड़ी भारी चूक को उजागर करके गया है। इस बार का कांवड़ मेला कांवड़ पटरी को लेकर जहां प्रशासन पर लगातार उंगलियां उठाई गई, वहीं शौचालय की व्यवस्था पर भी प्रशासन लोगों की जुबान पर रहा। आपको बता दें कि लगभग 1.5 से 2 करोड़ कांवड़िए मोटरसाइकिल के जरिए धर्मनगरी हरिद्वार पहुँचते हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने यातायात में भारी फेरबदल किया था। ऐसे में भारी वाहनों का भी शहर में आने पर प्रतिबंध था, जिसके चलते पेट्रोल के टैंकर भी शहर के अंदर आने में असमर्थ थे। इसके चलते पेट्रोल स्वामियों के पास पेट्रोल न होने से कांवरियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली गाजियाबाद से आए कांवरियों ने प्रशासन और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, हरिद्वार के सभी पेट्रोल पंप बंद हैं और एकाध जो पेट्रोल पंप खुले हैं वो सिर्फ 100 रुपये का पेट्रोल दे रहे हैं और बाकी लोग ब्लैक में पेट्रोल ले रहे हैं। अब हम जाएं तो जाएं कहां? ऐसे में कांवड़ मेला तो संपन्न हो गया है, लेकिन प्रशासन की कलाई भी खोल गया है। अब देखने वाले समय में प्रशासन इन सब बातों को किस तरह से संज्ञान में लेता है। ऐसे ये है कि ना, मेरी क्या सदी की समस्या है कि जितने भी पेट्रोल पंप है सब बंद है और 2-4 खुले हैं, उसमें पेट्रोल नहीं है और 100-100 रुपये का पेट्रोल डाल रहे सारे। इतनी दिल्ली जाना है हमें और कोई सुनता ही नहीं हमारे यहाँ पे। मैंने 200 रुपये का पेट्रोल बोला, 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया इन्होंने मेरे में। सरकार की गलती है और किसी की गलती है? उनके पास होने चाहिए व्यवस्था, जितने अलग से पेट्रोल मिलना भी चाहिए, फ्री सेवा करनी चाहिए पेट्रोल के लिए। तो आने वाने की दिक्कत है, रोड इतने खराब है और एक साइड वन वे कर रखा है इन सब ने। पेट्रोल नहीं होगा तो जाएंगे कैसे? वहाँ से यहाँ तक बड़ी प्रॉब्लम होती आई अभी तक। और दूसरा ये देखा मैंने पेट्रोल पंप, ये भी इसमें ही मारा मारी है, पीछे भी नहीं मिला पेट्रोल, यहाँ भी कैसे कैसे ब्लैक में लिया। यहाँ आके ब्लैक में पेट्रोल लेके मैं इसको यहाँ तक आया हूँ, फिर भी यहाँ इतनी मारा मारी क्या करेंगे बताओ? इससे बीच में कोई साधन नहीं है, कोई यहाँ तक नहीं है, मतलब अपने रात्रि पे आते ऐसा क्या, मतलब इसको सुविधा तो होना चाहिए सारा कुछ का, कुछ तो करें। अब दिल्ली आपको जाना, किस तरह का दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? उसका सामना बीच में क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमारे, क्या क्या नहीं हो सकता? पेट्रोल के लिए कितना साधन, मैं कैन भी डलवाता हूँ, कैन में नहीं देते वो पेट्रोल भी। अब इसमें कहाँ तक इसको डलाएंगे? कैन में तो दें तो अपने सुविधा बांध के ले आएँ, बीच में अपने सुविधा बनाएँ, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी देख लो, हमें मुझे पता कैसे कैसी प्रॉब्लम होगी हमारी आने जाने की, अभी आने की बड़ी प्रॉब्लम, जाने की कैसी प्रॉब्लम होगी। ये हम बोले कि कृपा हो जाए, बस बोले कृपा से चल रहे हैं, चल। पेट्रोल पंप क्या है, मोदी ने क्या कर रखा है? देखो यहाँ इतनी भीड़, दिखाओ कैमरा भैया क्या है, दिखाओ लोगों के लिए। आपको क्या दिक्कत हो रही है? पेट्रोल ही नहीं मिल रहा, हर जगह आगे वाला बंद है, पीछे वाला भी बंद है, यहाँ इतनी लाइन मारा मारी हो रही है, क्या करें? मोदी ने क्या सुविधा कर रखी है, घंटा सुविधा कर रखी है। कांवड़ लेने आए हैं? कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। खत्म हो गया, धक्का मारते हुए लाया है, बहुत दिक्कत हो रही है। जगह जगह पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं, तेल नहीं है, महंगा रेट कर रखा है। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।